I mean, if you go on Alibaba and you look at something, it's usually they're identical, or you know, 99% identical. The सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने खुद ही बोला अलीबाबा चाइना से है, तो हम लोग मेड इन इंडिया है, प्योर इंडियन, प्योर देसी. In India, you can, you know, offer a dollar back off every product or something. There's so many avenues that you can actually, I think, enhance yourself and stand out from the crowd. Yeah, I could never go back to China. I'd give up before I went back to China. Secondly, आप देखिए कि अलीबाबा पे कोई भी supplier जाके अपना अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे ना हो. सो मेघला, आप पहले तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, मतलब हाउ यू, मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया, और मतलब आईएसएन आपने स्टार्ट करने का, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्यों लगता है कि आपकी थोड़ी एक्सपर्टाइज है कि आपको इसी में करना था, इनटू सोर्सिंग एंड एवरीथिंग. हाँ, डेफिनेटली. सो दीपांकर, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोर्सिंग में ही है. सो मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है सोर्सिंग में. मैंने इंडिया में शुरू करा था इन द ईयर 2000. उस टाइम पे शायद आप स्कूल पे हो गए, बट उसके बाद फिर मैंने फिलीपींस में काम करा, फिर चाइना में 10 साल काम करा मैंने ऑलमोस्ट, वो भी सोर्सिंग इंडस्ट्री में, और फिर सिंगापुर में, और अब इंडिया में. तो मेरा पूरा करियर जो है वो सोर्सिंग में ही रहा है. जब मैं चाइना में थी तो मैंने बहुत सारी वहाँ पर फैक्ट्रीज विजिट करी हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखते थे कि चाइना में कैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और ओवरसीज बायर्स के लिए वो रिपोर्ट्स होती थी. तो दैट इज बेसिकली माय बैकग्राउंड. और आईएसएन जब मैंने शुरू करा तो यू नो, यही मेरा एक्सपीरियंस जो है पूरा वो काम आया आईएसएन को लॉन्च करने में. मतलब आपका शुरू से सोर्सिंग का ही बैकग्राउंड है. तो एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो बहुत ठीक है. सो आईएसएन एक्चुअल में क्या कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि दूसरे लोग, मतलब और भी बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं जो कि सोर्सिंग के अराउंड काम करते हैं, तो आईएसएन ऐसा क्या यूनिक सॉल्व कर रहा है, और आपको लगता है कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके टू द कस्टमर्स एंड टू द बायर्स आल्सो? डेफिनेटली. तो आईएसएन कुछ की प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज बायर्स की जो सॉल्व कर रहा है. सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम लगी वो ये है कि ओवरसीज बायर्स को सप्लायर्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है इंडिया में. लाइक सप्लायर्स तो आपको खैर बहुत मिल जाएंगे, आप गूगल पे चले जाइए, अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है, लेकिन रिलायबल सप्लायर्स और जिनकी एक्चुअली में फैक्ट्रीज हैं, लाइक बहुत सप्लायर्स तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमारी फैक्ट्री है, पर एक्चुअली वो होते ट्रेडिंग कंपनीज है. तो रिलायबल सप्लायर्स जिनकी खुद की फैक्ट्रीज हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और जो एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस भी हैं, जैसे आप इंडिया मार्ट पे जाइए तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको, पर बहुत सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो चाइना से सामान खरीदते हैं और लोकल मार्केट में बेचते हैं. तो हमें जो है, इनफैक्ट बहुत लोगों ने आके बोला कि हमें इंडिया से सोर्स करना है, लेकिन हम कहाँ से ढूंढे कंपनीज और कैसे हम ट्रस्ट करें उनको. तो ये एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क सॉल्व कर रहा है. हम अपने सप्लायर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से वेट करते हैं, उनको हम चेक करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि वो लेजिटिमेट कंपनीज हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, कोई ट्रेडिंग कंपनी अलाउड नहीं है. और सप्लायर्स जो हैं वो बाय इनविटेशन इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क पे आते हैं. तो आप ये नहीं कि आप यू नो बोलो कि हमें आना है, और कोई भी आके अगर पेमेंट करे कोई भी आके वेबसाइट पे जा सकता है. तो बहुत ही सिलेक्टिवली हम चूज कर रहे हैं सप्लायर्स को, और अभी हमारा डेटाबेस कम है पर बहुत क्वालिटी सप्लायर्स हैं. और इनफैक्ट अगर बायर कंप्लेन आती है किसी सप्लायर के खिलाफ तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं. सबसे बड़ी बात ये भी है, इनफैक्ट काफी सप्लायर जो है वो हमसे नाराज है इस बात के लिए कि आप हमको क्यों निकाल रहे हैं, यू नो बायर की भी गलती है ये भी, पर हम लोग बहुत ज्यादा बायर फोकस्ड हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर बायर खुश रहेगा तो वो इंडिया से ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा सोर्सिंग का, तो वो और ज्यादा सोर्स करेंगे और ज्यादा यू नो बात फैलेगी इंडिया की. तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा बायर फोकस्ड है. सेकेंड चीज ये है कि ठीक है सप्लायर्स तो मिल गए लोगों को, पर सर्विस प्रोवाइडर्स भी तो चाहिए ना सोर्सिंग के लिए. आपको सोर्सिंग एजेंट भी कभी कभी चाहिए होता है, फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए आपको, लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए कोई, इंस्पेक्शन लॉयर भी चाहिए हो सकता है आपको अगर सप्लायर अग्रीमेंट्स साइन करने. तो ये सब कहाँ से ढूंढ के लाए जो ओवरसीज बायर्स, उनको ये ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को भी वेट करा, और ये सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो हमने खुद यूज करे हुए हैं या फिर हमारी कम्युनिटी में और लोग हैं जो यूज करते हैं. तो ये बहुत ही सिलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ऑलमोस्ट लाइक दे आर पार्टनर्स, और उनको हम रेकमेंड करते हैं. तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म जो है हमारा इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क, वो बायर्स के लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उनको चाहिए इंडिया से सोर्स करने के लिए. दूसरी चीज ये है, और थर्ड थिंग एक्चुअली ये है कि एजुकेशन पे बहुत फोकस है हमारा. आप देखिए चाइना के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन,
कि चाइना से आप कैसे सोर्स कर सकते हैं, अलीबाबा है, यू नो, सप्लायर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, एक्सेट्रा, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो मैंने, मार्गरेट मेरी पार्टनर है, केविन, हम तीनों ने मिलकर ऑलमोस्ट 200 पॉडकास्ट और वेबिनार्स करे हैं दूसरे चैनल्स पे जाके, यू नो, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके चैनल्स पे जाके हमने पॉडकास्ट करे हैं टू टॉक अबाउट सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो यू नो मिसिंग है पूरे पूरे इंडस्ट्री में, आई थिंक. फिर तीसरी चीज ये है कि कम्युनिटी, अगर किसी बायर को कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ फंस गए हैं वो, या उनको पता नहीं कि यू नो कैसे सप्लायर ढूंढना है, तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें ऑलमोस्ट 8,000 ओवरसीज बायर्स हैं. अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो फेसबुक ग्रुप में आके फ्री में एडवाइस ले सकते हैं. तो एक कम्युनिटी भी है. और लास्ट थिंग ये है, नंबर 5 जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि सिक्योर पेमेंट्स. अभी तक कुछ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो यू नो पेमेंट प्रोटेक्शन या ट्रेड अश्योरेंस टाइप की सर्विस देते हैं. अलीबाबा इनफैक्ट ट्रेड अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता इंडिया में. तो अभी हमने लॉन्च नहीं करा है पेमेंट प्रोटेक्शन, बट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. So, अभी के लिए जो आपका इंडिया सोर्सिंग है वो क्लोज नेटवर्क है, मतलब ओपन नेटवर्क नहीं है कि कोई भी आया, अपना अकाउंट बनाया, ईमेल आईडी के साथ फोटोज अपलोड किए, एंड दे कैन स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और दूसरे लोग उनसे बाय कर सकते हैं. सो अभी के लिए आपके थ्रू ही जाना पड़ता है सारे सप्लायर्स को, क्लोज नेटवर्क है, इन्वाइट ओनली है. हाँ, सप्लायर्स के लिए इन्वाइट ओनली है नेटवर्क, बट बायर्स के लिए ओपन है. कोई भी बायर आके प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, सप्लायर्स को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, पर सप्लायर्स को हम थोड़ा वेट करते हैं अच्छे से, बस यही थोड़ा सा चेकिंग, उनका बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं. हाँ, ठीक है, got it. So, एक बार ये जो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है आपका सप्लायर के साथ, तो उसके बाद ये पेमेंट वगैरह का आपने बताया गया कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, एक सर्टेन लेवल तक आप हैंडल कर रहे हैं. तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारी, मतलब इनकेस इन ट्रांजिट कुछ हो जाता है, लॉजिस्टिक्स में कोई मिसहैंडलिंग होती है, सो ये सारा होता है, मतलब तो बायर या सप्लायर किसको रिपोर्ट करता है, मतलब ये सारा जो बैकएंड में हो रहा है, ये कस्टमर सर्विस ये कौन देता है? हाँ, तो अभी के लिए क्या है हमारा कि हमने पार्टनरशिप्स करी हुई है दूसरी सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं प्रोवाइड करना चाहते. हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं कि हम कनेक्ट करें सर्विस प्रोवाइडर्स और बायर्स को. तो जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ तो हम हैं वहां पर इन्वॉल्व होने के लिए, और हम बीच में मीडिएट भी कर सकते हैं बायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में. पर एक्चुअली में जो ट्रांजैक्शन है या जो सब कुछ डीलिंग्स है वो सर्विस प्रोवाइडर और बायर के बीच में डायरेक्टली होती है. आपका कोई मीडिएशन नहीं है उसके में? हाँ, उसमें मीडिएशन नहीं है अभी, कुछ नहीं है. ठीक है, तो अभी अली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो ग्लोबल सोर्सिंग का जो है वो अलीबाबा ही है, मतलब अभी भी कई सारे लोग उसमें से अलीबाबा से ही, मतलब सोर्स करना उनको पता है कि जब भी सोर्सिंग की बात आती है तो अलीबाबा ही है. तो अलीबाबा से ऐसा अलग आप मतलब क्या कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि अलीबाबा मेरे ख्याल इंडिया में इन द रिसेंट ईयर्स अलीबाबा के कई सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया ने बैन किए हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस है जो कि रिटेल के लिए था. अलीबाबा कहीं ना कहीं चल रहा है, बट उतना ज्यादा मैंने रिसेंटली देखा है कि लोगों को लगता है कि अलीबाबा भी बैन हो गया है, बट और अलीबाबा ऐसे मतलब ऐसे खुल के मैंने देखा है कि बहुत क्लोजली वो लोग अभी मैन्युफैक्चरर्स को ले रहे हैं इंडिया से, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू फॉर्म भरवा रहे हैं, मतलब बहुत ऐसा कुछ ओपन नेटवर्क नहीं है उनका भी इस टाइम पे, बहुत क्लोजली वो काम कर रहे हैं. मतलब उनको भी लगता है कि अगर थोड़ा वो करेंगे तो मे बी उनको भी रेड फ्लैग कर दे, बट हाँ अलीबाबा है इस टाइम, अलीबाबा से लोग अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, अलीबाबा से लोग सोर्स कर रहे हैं. तो अलीबाबा से किस तरह से आप लोग अपने आप को अलग देखते हैं? डेफिनेटली, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने खुद ही बोला अलीबाबा चाइना से है, तो हम लोग मेड इन इंडिया है, प्योर इंडियन, प्योर देसी. तो यू नो सबसे बड़ी बात तो वो है. सेकेंडली, आप देखिए कि अलीबाबा पे कोई भी सप्लायर जाके अपना अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे ना हो, पर हम लोग जो है सिर्फ फैक्ट्रीज को, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को अपने वेबसाइट पे लेकर आते हैं. तो एक ये ट्रस्ट है कि हाँ, अगर आप ISN से सोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको फैक्ट्रीज, डायरेक्ट फैक्ट्रीज मिलेंगी. अलीबाबा में बहुत सारे लोगों ने मुझे भी आके बताया कि हमें लगा कि ये फैक्ट्री है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ट्रेडिंग कंपनी है. ऐसी इश्यूज होती हैं, और चाइना में भी ऐसी इश्यूज होती हैं बहुत ज्यादा. तो ये उनका प्लेटफॉर्म ही इस तरीके से बनाया उन्होंने.
और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी बायर के साथ इश्यू होती है सप्लायर्स की, तो हम सप्लायर को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो हमें बोले कि आप यू नो क्यों कर रहे हो ऐसे या ऐसे कुछ, बट वी वांट ओनली क्वालिटी सप्लायर्स ऑन आर प्लेटफॉर्म, तो इसलिए हम उनको बैन कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से. पर अलीबाबा में मैंने ऐसा नहीं सुना है कि वो ऐसा कुछ करते हैं, मोस्टली वो यू नो सप्लायर फोकस ज्यादा रहते हैं, स्पेशली चाइना में. अच्छा, फिर ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑन इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क, बाकी अलीबाबा में तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सब कुछ ट्रेडर्स हैं सारे. फिर जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन भी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो एजुकेशन नॉट ओनली फॉर यू नो अमेजॉन ई कॉमर्स सेलर्स जो इंडिया से सोर्स करना चाहते हैं, बट इवन बिगर कंपनीज जैसे रिटेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनको भी नहीं आइडिया होता है कि किस तरह से इंडिया में चीजें होती हैं, तो उनके लिए भी हम एजुकेशन करते हैं. हमारी वर्कशॉप है, इंडिया सोर्सिंग वर्कशॉप, इंडिया सोर्सिंग मास्टरमाइंड है, एक हमारी इंडिया सोर्सिंग ट्रिप है जो अभी अक्टूबर में होने वाली है, उसमें हम ओवरसीज से करीब 50 से 60 लोगों को लेकर आ रहे हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लेकर आ रहे हैं इंडिया में 8 डेज के लिए. पूरा उनको सोर्सिंग करवाएंगे, एक पूरी कॉन्फ्रेंस करेंगे जिनमें उनको सिखाएंगे कि इंडिया से कैसे आप सोर्स कर सकते हैं, प्लस उनको थोड़ा सा इंडिया का कल्चरल एक्सपीरियंस भी देंगे. सो दीपांकर, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू दैट, आप जरूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो ये मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो एजुकेशन है सिर्फ बायर सेंट्रिक है या जो सप्लायर है उसको भी आप एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर कंप्लायंस को फॉलो करना है, एक्सपोर्ट के सिनेरियो में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं ना एक्सपोर्ट की, तो एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है एक मैन्युफैक्चरर तो है, बट उसको ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट इनिशियली एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक बार 2-3 शिपमेंट जाती है तो उसके बाद अंदाजा हो जाता है. जनरली उनको इनिशियल पुश नहीं मिल पाता कि उनको पता नहीं कि कौन से कंप्लायंसेज हैं उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, कौन से उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गवर्नमेंट से कौन से बेनिफिट्स स्कीम्स उनको मिलेंगे. तो उस सप्लायर सेंट्रिक भी आपका एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं सिर्फ बायर्स के लिए ही एट द मोमेंट? अभी सिर्फ बायर्स के लिए ही है और सप्लायर्स के लिए नहीं है हमारा कुछ. पर हाँ, अगर हमारे जो नेटवर्क में सप्लायर्स हैं उनको कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैसे बायर्स के साथ डील करना है या कैसे निगोशिएट करना है, तो हम उनसे बात करते हैं और डायरेक्टली वन ऑन वन उनको यू नो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. बट ओवरऑल ट्रेनिंग ऐसी कुछ नहीं है हमारे पास अभी सप्लायर्स के लिए, सिर्फ बायर फोकस्ड है. बायर फोकस्ड, गुड. सो ठीक है, आपने बता दिया कि अलीबाबा तो चलो चाइनीज वेबसाइट है, वो तो अभी पिक्चर से बाहर है कुछ टाइम से. तो आपका इनिशियल स्पार्क क्या था, मतलब आपको क्यों लगा कि आपको सोर्सिंग में ही, मतलब और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करूँ इंडिया में, तो मतलब काउंटलेस प्रॉब्लम्स है. मैं पिछले 8 साल से हूँ, 8-9 साल से इसमें, तो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है. तो कई सारी प्रॉब्लम है, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू फ्रेट्स टू सोर्सिंग टू एस्क्रो टू लीगल टू कंप्लाइंस. तो आपका इनिशियल स्पार्क, ठीक है मैं समझ गया कि आपका बैकग्राउंड इसी में था सोर्सिंग में, तो इनिशियल स्पार्क उसके अलावा कुछ और कि आपको नहीं, कि आपके नेटवर्क्स ऐसे थे कि आपको सोर्सिंग में ही करना था, क्या इनिशियल स्पार्क था आपका? तो एक्चुअली दीपांकर, हमने स्टार्ट करी थी ये कंपनी 2019 में विद इंडिया सोर्सिंग ट्रिप. तो उस टाइम पे यू नो चाइना और यूएस में थोड़ा सा ट्रेड वॉर चल रही थी, तो काफी लोग यू नो हमारे ई कॉमर्स सर्कल्स में काफी सारे लोग थे जो ये सोचे थे कि कैसे हम इंडिया से सोर्स कर सकते हैं. और क्योंकि मैं इंडियन हूँ, तो इस वजह से काफी सारे जो जो बायर्स हैं वो मेरे पास आते थे कि यू नो हम इंडिया से कैसे सोर्स कर सकते हैं. सो ऐसे यू नो आइडिया आया कि चलो कुछ करना चाहिए इंडिया से हेल्प करने के लिए लोगों को. तो तब हमने इंडिया सोर्सिंग ट्रिप स्टार्ट करा, और पहली ट्रिप हमने करी अक्टूबर 2019 में. बहुत सक्सेसफुल रही, ऑलमोस्ट 50 लोगों को हम लेकर आए थे, बायर्स को, ओवरसीज बायर्स को इंडिया दिल्ली में. और फिर उसके बाद तो कोविड हो गया तो हमारी ट्रिप तो कैंसिल हो गई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वो काफी बड़ा हो गया. लाइक उस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारे 6-7,000 बायर्स थे फेसबुक ग्रुप में. अब हम ट्रिप तो कर नहीं सकते हैं, तो बायर्स बोलेगा कि हमें ऑनलाइन सोर्स करना है, हमें फिर भी मतलब सोर्स करना है इंडिया से, कैसे कर सकते हैं. तो फिर हमने लाइव वेबिनार्स करने शुरू करे अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर. और जैसे हम सप्लायर्स से बात करते थे और उनको अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर लेकर आते थे, उनको बायर्स को इंट्रोड्यूस करते थे, और यू नो ऐसे बायर्स हमारे जो सोर्स करते थे. फिर उसके बाद हमारा इतने सारे वीडियोस हो गए कि हमने सोचा कि चलो हम वेबसाइट बनाते हैं. तो फिर मतलब ऐसा हुआ हमारा कि ऑर्गेनिकली एक तरीके से आप सोचिए कि इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क जो है डेवलप हुआ. और मतलब एक तरह से बायर्स नीड है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे बायर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे. और फिर उसके बाद बायर्स ने बोला कि अरे हमें फ्रेट फॉरवर्डर भी चाहिए, अरे हमें क्यूसी इंस्पेक्टर भी चाहिए. तो फिर हमने जाके जो है टीम बनाई इंडिया में, और फिर जाके इन सब सर्विस प्रोवाइडर्स को वेट करा. सो इट्स वेरी ऑर्गेनिकली ग्रोन. ठीक है,
मतलब नीड ऑफ द आर था, तो आपको और आपका एक्सपीरियंस भी सेम ही था, तो दोनों मिलके ठीक है. तो अभी आपके साथ जो आपकी को फाउंडर है या टीम मेट है मार्गरेट, उनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. हाँ, को फाउंडर है. तो हाय मार्ग, सो वेलकम टू ग्लोबल. हाँ, नाइस, सेम हियर, नाइस टू मीट यू टू. सो मार्क, just tell us about you, like what is your background and how you came into the India Sourcing Network and what are your experiences till now? Well, I suppose most of my life I've been involved in some sort of business or other and done accounting and, you know, all sorts of management skills in different businesses and operations managers and things. And I started sourcing, you know, actually just over 5 years ago from China and starting to sell on Amazon in January 2017. And we launched about 5 products in China early in that year. And then we're on our way to Canton Fair and in the October, and we stopped off in Hong Kong and went to I think it was the Mega Fair it was called in Hong Kong, and we actually were just walking around there and there was a stall of Indian goods, and I just fell in love with them. I just didn't bother going hardly anywhere else then after that. We just spent the day talking to the suppliers because they just had so much. It was different. I hadn't seen anything like they had before. And that was sort of the big catalyst to us. So at that point, well, by that end of that week, we decided that was what we were doing. So when we got to Canton, we were very half-heartedly walking around having a look there. And so, yeah, we came back and placed our first order with our supplier, and we're still dealing with the same supplier today. So we started off with metal products, a range of different products, all different niches, but out of the same material. And that was, I found, really good that it was something that you can't really get in China. So I didn't have a lot of, I suppose, opposition, a lot of copycats. Nobody could really, you know, replicate what I was selling, you know, unless it came from India. And what I find is with the Indian products that even though there might be other manufacturers that make a very similar product, that each supplier has its own little spin. You can sort of see the difference in the products. Yeah. So I found that that was, you know, really unique that even though they might sell, you know, a salad bowl, it can be done in 100 different looks. And they all have their own little twist. And every week we'll interview a different supplier and you go, oh, look what they've done this time. So I think it's really amazing. And I think that's probably my favorite thing about India. that's really nice to hear that you find such good suppliers and good products from India. So how, my another question would be, like, since when you are selling on Amazon? You said 2017, from 2017 till now you're selling on Amazon, right? So yeah, you have a, you know, great experience of selling in Amazon. So you must know that what kind of products are also, you know, are in great demand from India. Like, what kind of products are... I think, well, home decor is probably one of the biggest, pet supplies, you know, pet beds, pet sort of, in, you know, things, leads and things made out of leather. They're probably the biggest market, but, you know, also home furnishings, soft furnishings, laundry bags. There's lots and lots. Anything to do with the home, I think, is more so. Obviously, you're not going to get, you know, a phone, you know, cases and things like that. They're all China-centric. But, yeah, so, and I think if people have something in mind, it's very easy to work with an Indian supplier. They're very, I suppose, conducive to you saying, this is what I want you to make. And you can, and the thing is, I like, you can actually hop on a Zoom call and say, can you make it this big and that wide? And, you know, you can talk with your hands and sort of communicate what you want. And I think that is a real, you know, sort of bonus. And what, and I mean, we deal obviously with the owners of the factory where we are, and we have a great relationship with them. It's more like our family. Like, it's not just a business acquaintance. I found that when we were dealing in China, it's very business-like, and you probably just get to the, you know, girl at the front who translates what you want, you know, back through the factory. Whereas most of the time, and I even find, people come to me and say, oh, I can't believe it. I actually spoke to the owner of the factory, you know, and it might have been quite a big factory that, you know, does contain these goods. And they're absolutely amazed that they get to speak to the real person, not just someone right down the bottom of the food chain. So I think all those things, and then you don't get it lost in communication. I mean, if you're talking to the man who's running the business, you know, you can explain. You get that personal touch, right?
much better. So, you answered my question that I was about to ask you, that what were the things you like about dealing with Indian manufacturers. So you already answered that you get to know the owner personally. You talk to the owner it personally. Is. I think that is because you know, in China, there are regions like when you go to Shenzhen, Shenzhen is famous for electronics. There are, you know, thousands and lakhs of electronic manufacturers who manufacture same similar kind of product. But in India, you cannot find a hub for a particular product. Like there may be some hubs, like if you talk about Moradabad, it's famous for handicraft. But each and every manufacturer over there, they are not producing, you know, economies of scale, like huge factories. They are still producing with 10, 50 laborers. Like each and every product will be different from the first product. It is, yeah, and it's quite different. It's amazing. And like another thing I love is the mango wood out of India. I mean, you don't get mango wood out of China. And I just find that, you know, that's a really beautiful wood, and it's something that is different. I mean, you know, you can get acacia wood from both, but I mean, think mango wood is just so unique. It's a great product. It's lighter to ship, and you can do so many great products with that. So, and we see a lot of that when we're, you know, interviewing suppliers. So I think that's another bonus. And I think the best thing is that you can tell a great brand story about, you know, you can go to the village where it's, you know, something's being handcrafted, or you can go to the factory and get someone actually, you know, polishing some metal or something, and it's not all just getting thrown through a machine. So I think all those things help you sell, and you can command a much higher price because of the fact that, you know, it is handcrafted. Yeah, you can prove it, you can show a video of it, you can have a fantastic brand story, you can give back to the community in India, you can, you know, offer a dollar back off every product or something. There's so many avenues that you can actually, I think, enhance yourself and stand out from the crowd. Whereas if you're selling from China, what are you going to put a picture of? I'm proudly selling from China, and it comes off this big machine with thousands of things every day. So I think all those things just make India. I could never go back to China. I'd give up before I went back to China. There you go. That's I'm really proud to hear that from you, that you like to buy from India. I think your points are absolutely valid points. Like each and every product is different from the previous product. I truly believe that. Like personal touch on the product, like you cannot tell that these products are machine made and identical to each other. It's still very, you get that personal touch. I got your point. So my next question would be, like you previously dealing from China, so what are the main difference from China and Indian manufacturers? You already told some points, just one or two points if you like to add. I think the biggest difference is the difference in the products, that you've got a variety of whatever you're choosing. I mean, if you go on Alibaba and you look at something, it's usually they're identical, or, you know, 99% identical on page after page. Indian suppliers don't actually really, in a lot of cases, have much products on their website. So, you know, you really have to get in a little bit deeper to find those great products, either, you know, go to the fair or do a lot more research to find those products. And I think that's another bonus, because they don't have, you know, every product's not just copied even by another factory down the road. And I think India is a little bit more, they like to be individual and they like to design their own things and have all different products. And I think that's the secret to it, that you can get so much variety, even, you know, out of the same city. It's just and it's lovely not having same. And once again, then when you go onto Amazon, you stand out, because, you know, you might go to page one and you look and there's, you know, 20 products from China. And then if you're the only one from India, you can really tell the difference, because it's going to be a very different looking product. I love going onto Amazon and going, yeah, that's from India. And I mean, it's funny, because I'm in Australia. When I'm shopping now, I'll go, oh, that's got to be from India. And I start checking where they're from, because you can sort of tell, and I'm, you know, oh, that's mango wood and that's this. And it's really nice, because they do stand out a lot, the products, you know, when you're looking in the stores, once you've sort of, you know, been over and had a look and, you know, been to the Delhi fair and, you know, seen a lot of, you know, products, and we've been to our manufacturer's factory. And I think, just communicating, you know, with the Indian suppliers is so much easier. I mean,
you know, you jump on a Zoom call, they understand your language. You know, like we, I suppose they still find it's a little bit strange. You probably find my accent's not quite as easy to understand, but they tend to understand us a lot easier. And I find it's so much easier when you can jump on a Zoom call and look someone in the face and speak to them, as you know, sort of having a sort of a WhatsApp call with somebody who, you know, doesn't really speak very good English, and it all gets lost in translation. We had lots of issues with, you know, our boxes ended up being the wrong size because nobody could understand. And what we didn't realise is they couldn't even read the drawings of our boxes. So, you know, when we had our box lines done, we thought they're perfect. And then the next thing, the boxes were nearly twice the size. And all those things cost you money and can be, you know, really detrimental to your business. So I find that when you can communicate and you can see and you can look and you can actually say to them, you know, show me that, measure it, show me the measurements on the, you know, screen. Yeah, and like, all those things make doing business easier because, you know, as, you know, when you're saying on Amazon, you don't know until, you know, it's too late that, you know, the products are in Amazon and you start finding out that the box is twice as big as it should be. Yeah. Because, you know, you don't really, you know, get to see it if you're flying blind and can't hop onto a call. So I think, yeah, I think all those things just make life. And I don't know, I just find that, you know, we have a lot of trust in our supplier. You know, he looks at, and it's always, nothing's a problem. Nothing's too hard. You know, what can I help you with? You know, so I like all that. It is true. I also, you know, work with many handicraft manufacturer, home decor manufacturers who exports to Europe and to USA also. These guys are so much, you know, they cooperate so much, like in everything. Like you tell them that you have to design this box. I also work with other buyers also. I used to source some products for other buyers. So these guys are so much understanding and so cooperative with the buyer. Like they understand and they make changes as per your requirement without saying a word. Like they sometimes discounts on the product, and these guys are so nice. Like still, I personally, it's my personal experience. Like these home decor manufacturers and all these manufacturers from Muradabad and Nagina, which is famous for handicraft. These guys are so cooperative and so understanding, understandable to the buyer also. So I think your all the points are very valid and very true. And look, you know, we find even the service providers, like, you know, the shipper and, you know, the solicitor, it doesn't matter who it is. I mean, I find that, you know, you become, you know, very good friends because we've met most of them in person now. Like they're our friends. They're not just somebody over in India who's doing a little job for me, you know, and you have a really good relationship with all of them. So, and I think that is, you know, is so special when you're doing business that, you know, it's the relationship, and that way you can be more successful by having that, you know, trust and the relationship with the suppliers. And yeah, and I think meeting them though is the secret to success. Like, I mean, it's just wonderful going to the fair and actually walking around, and you know, you just go from, and oh, they're so nice, and oh, those people were so nice. And I think that's lovely. It's not I don't know, high pressure. It's not push, how many are you going to buy, and I've got somebody else waiting for you. They they want to spend time with you, so it's great. That's true point, absolutely true. All the things you said about Indian manufacturers, you know, I think it's true and very valid point, because I experienced all those myself. So my last question would be, you know, Tegan, you like Indian manufacturers, you like talking to them, you like coordinating with them, you like how they treat you. So among all the manufacturers you have dealt with in the past, what are those 2-3 you know, points that you look for in a manufacturer, and these 2-3-5 points make the manufacturer stand out in the crowd? Like, what are the 2-3 main points that you look for in a manufacturer? Well, willingness to respond to you quickly. And, you know, so if a supplier comes back to you and, you know, says, yes, and I can do that, and they're, you know, they're excited and want to work with you and, you know, want to try and help you and will negotiate with you, I think that's one of the really good things. Is, you know, that they are keen and want to be, you know, like, help you, because I mean, they realize if your business grows, their business grows. And I think you know, that relationship of helping each other, and it becomes more of a partnership than just a you know, business deal. And I think that's probably the biggest thing.
One more thing I'd like to add here, like, okay, that you like, everybody wants that their business to be, you know, they want to sell their product. So they will definitely coordinate with you. My point is what are those, it would, you know, reconnect with your vetting process. Like, what are those 2-3 points based on which you vet a supplier? Like, it's their social presence or their past history of doing exports, like something like that. Well, I mean, you really need to vet and make sure that, number one, I suppose they're an exporter, because, you know, it's no good doing, going to suppliers. So, and I think, you know, that's sort of things that we really are sort of, you know, strict on in our group, that, you know, all the suppliers are vetted and are, you know, sort of exporters, and that, you know, they do quality work. And I think it's very important that you do get, somebody to check, get an inspection company to look at your first product and make sure it is what you want, or, you know, get your sample sent. I think you should actually get your sample made, have a look at it on Zoom, and, you know, make sure it's 99% what you want, and then get the sample sent, you know, whether it be to Australia or to America, wherever you're, you know, coming from. That way you can get, you know, without going back and forwards 100 times, I suppose, to get that sample right, and or it not being what you want. So I think that, working together and getting that is probably, you know, the key to it all, of having it, flow through, you know, pretty well. But, yeah, and once again, that, you know, I find they're very happy to do your packaging for you. They will organise that. Like, it's a lot easier. I found in China I had to have somebody making my boxes over here, and then I had to try and get him to coordinate. It was very difficult. And when you're in another country and you're trying to get all this together, when the manufacturer will have, you know, assist you and, you know, organise your packaging, you know, with your instructions, I find all those things, it's like a one-stop shop, and it makes it so much easier. Okay, I'll also just add to what, Margaret said, and she mentioned it very briefly when she started, responsiveness. So I think that's the biggest complaint that buyers have, you know, that suppliers are slow to respond. So this is something that if there are any suppliers listening, or if you have, you know, suppliers in your community, Dipankar, we need to stress that they need to be quick to respond, and they need to, they need to respond comprehensively, not just 1-2 lines, and then the buyer has to go back and ask for more information. So that is something that I think we can learn from China, because they are most suppliers are very good to, respond. ये point, I guess, लिखा होता है Alibaba पे, that supplier is very responsive, supplier respond within 24 hours, supplier respond within 22 days. I think it is a valid point, and it's a very important point also, right? Yes. So coming back to Meghla, Margaret, it was, you know, such a good information, and I'm so happy to hear from you that you guys are really liking Indian manufacturers, and these qualities that Indian manufacturers are very happy to work with buyers outside India, and are very, you know, they are not, you know, very into chain system, like only the marketing department will talk to the people. Even the owner of the company can come to the call if you want. I think it is a very unique thing from India. And thank you so much, Margaret, for no worries, and thank you. It's a pleasure meeting you. Yeah. We'll hopefully see you in October. Yeah, absolutely. I'll try to make it. Okay. So Meghla, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में हमने बात कर ली, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम पे यूएस में, क्योंकि आप लोगों के बायर्स यूएस और यूरोप में ज्यादा है और अमेजोन पे ज्यादा है, तो कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे हाई डिमांड में है यूरोप में, आपके अमेजोन यूएस में? सो कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ज्यादातर इंडिया से सोर्स करते हैं? तो सबसे बड़ी कैटेगरी जो अभी बहुत पॉपुलर है इंडिया से, वो है वुडन एंड मेटल प्रोडक्ट्स. और वुडन मेटल प्रोडक्ट्स, अभी मार्ग ने भी बताया कि मुरादाबाद में जो सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल, उनके काफी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं. तो ये सबसे इजी कैटेगरी है एक तरीके से, आप समझ लीजिए, इंडियन कोई सप्लायर्स हैं या ब्रांड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए. सेकेंड चीज है किचनवेयर, स्टेनलेस स्टील किचनवेयर हो गया, या और भी किसी मेटल के किचनवेयर है, वो भी बहुत पॉपुलर हैं.
बाकी कॉटन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेफिनेटली फर्निशिंग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे पानीपत में जो रग्स हैं या फिर पूफ्स, कुशन कवर्स, उस टाइप के हैं, टेक्सटाइल्स बेस्ड. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हैं ग्लोबली. तो अगर किसी तरह से आपका ब्रांड आप बना सके फोकस्ड अराउंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वो भी बहुत पॉपुलर चलेगा. जैसे एक सप्लायर है मुंबई में हमारे ISN पे, वो बनाती है प्लांट बेस्ड मटेरियल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे बैग्स, बेल्ट्स. तो उनका है कैक्टस मटेरियल, पाइनएप्पल मटेरियल, इस तरीके के मटेरियल से वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं. वो बहुत पॉपुलर है ओवरसीज मार्केट. बैम्बू प्रोडक्ट्स भी बहुत है आजकल इंडियन मार्केट में, मैंने देखा है. हाँ, बैम्बू प्रोडक्ट्स. अच्छा, बैम्बू दो टाइप के होते हैं. एक है इंजीनियर्ड वुड बैम्बू, वो चाइना से मिलता है मोस्टली, पर जो रियल बैम्बू है उसको जो काव करके और कट करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स, वो इंडिया में मिलता है मोस्टली असम और ईस्टर्न स्टेट्स में. हाँ, वहां पर ज्यादा है. एक और कैटेगरी है पेट प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग कैटेगरी है इंडिया से. काफी सारे सप्लायर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज बना रखी हैं, चाहे वो पेट क्लोथ्स हो, पेट बेड्स, पेट बोल्स. बहुत इसमें स्कोप है बहुत ज्यादा ओवरसीज मार्केट्स में. एक और है लेदर. लेदर में आप कुछ भी, चाहे लेदर गारमेंट्स हैं आपके, लेदर बैग्स, लेदर एक्सेसरीज, ये भी बहुत पॉपुलर है. अपैरल्स तो है ही इंडिया से, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरीज है अपैरल, तो स्पेशली ऑर्गेनिक कॉटन अपैरल और फर्निशिंग्स. बाकी और भी चीजें हैं, जैसे एक्सेसरीज में सॉक्स, स्कार्व्स, पश्मीना शॉल्स, ये भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं. फूड आइटम्स बहुत चल रहे हैं आजकल दीपांकर, हर्बल सप्लीमेंट्स खासकर. और गुजरात में कुछ सप्लायर्स हैं, और कुछ लाइक हम इंडियन सेलर्स को भी जानते हैं गुजरात में, जो बहुत सक्सेसफुली ये हर्बल सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं ओवरसीज. जैसे आपका हो गया अश्वगंधा, या फिर टर्मरिक, हल्दी, और ये सब चीजें इनके बहुत पॉपुलर चल रहे हैं आजकल. बाकी और स्टेशनरी है, जैसे हैंडमेड पेपर से स्टेशनरी बनती है, थोड़ी कुछ एक्सक्लूसिव स्टेशनरी. ज्यादातर प्लास्टिक आइटम जो है हम देखते हैं कि चाइना में ज्यादा कंपेटिटिव रहते हैं, लेकिन इंडिया में भी फैक्ट्रीज अभी शुरू हो रही हैं प्लास्टिक आइटम्स की, तो यहाँ से भी थोड़े जो है कंपेटिटिव होंगे इनके प्राइसेस, पर अभी इतने ज्यादा नहीं है. जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है साउथ में जो टॉयज बनाती है, वो उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस. हाँ, वुड बी टॉयज आई गेस. नहीं, वो प्लास्टिक की, माइक्रो प्लास्टिक्स करके है कंपनी का नाम है, माइक्रो प्लास्टिक्स. तो उन्होंने अभी बहुत अच्छा सेटअप करा है अपना साउथ में, और उसमें पूरे मशीन्स एंड 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं, बहुत एडवांस मशीन्स में काफी इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने. तो उसमें काफी आगे जाके आई थिंक टॉयज जो है वो एक बिग कैटेगरी बनने वाली है इंडिया से एज वेल. इंडिया में ऑलरेडी टॉयज को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्लस्टर्स भी बनाए, उसमें से एक साउथ है जहाँ पे अच्छे इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि रिसेंटली 4-5 साल पहले ही आई गेस चाइनीज टॉयज को कम्प्लीटली बैन कर दिया था इंडिया में. उस टाइम पे काफी यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टर्स थे यहाँ पे सदर बाजार में, तो उस टाइम पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे. उस टाइम पे तो काफी शॉर्टेज हो गई थी टॉयज की, बट अब धीरे धीरे टॉयज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रो कर रहा है इंडिया में. इनफैक्ट एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा टॉयज का जा रहा है. एग्जैक्टली, अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स है, वो एक टॉय फेयर भी करने वाले हैं, अगस्त में होगा वो टॉय फेयर, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. चलिए ठीक है, ये तो पता लगेगा कि टॉयज को अभी मतलब प्रोडक्ट्स कौन कौन से जा रहे हैं. तो एक चीज मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जो अमेजोन ग्लोबल सेलर है ना हमारे इंडिया में, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख अमेजोन ग्लोबल सेलर्स हैं इंडिया में, जो कि अमेजोन US, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया, अमेजोन यूरोप में बेचते हैं. बट उसमें से अराउंड उस 1 लाख को अगर मैं लेके चलता हूँ, तो उसमें से अराउंड 50% एक्टिव सेलर्स हैं. सो ऐसे मतलब उनको, मेरे को समझ में नहीं आता. मैंने अपने पुराने में काफी सारे वीडियोस बनाए थे कि अगर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा नो हाउ चाहिए होता है किस तरीके से प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, बट वहां से आपको एक अच्छा टेस्ट मिल जाता है और अच्छा अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मोर और लेस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट और कमर्शियल एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस होता है. बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने सेम कर दी है, सेम चैनल के थ्रू ही सारी चीजें हो रही है. तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोग इफेक्टिवली अमेजोन पे, अमेजोन यूरोप पे, अमेजोन US में सेल कर सकते हैं इंडिया के जो छोटे सप्लायर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दीपांकर. और नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर्स बल्कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ सेलर्स ऑन अमेजोन या प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन पे, वो थर्ड पार्टी सेलर्स सेल करते हैं. एंड चाइना से ऑलमोस्ट
लाइक पूरे अमेजोन यूएस में जो सेलर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो चाइना से हैं. सो जब चाइनीज इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो इंडियंस क्यों नहीं हो सकते, वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं. तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो स्टार्ट करते हैं छोटे स्केल से स्टार्ट करते हैं, वो इसको एज अ हॉबी लेते हैं, वो इसको एज अ बिजनेस नहीं ट्रीट करते. वो सोचते हैं चलो ठीक है अमेजोन है, यू नो साइड बिजनेस टाइप का है, पर अमेजोन इज ऑल्सो अ बिजनेस. तो अगर आपको इसको यू नो एज अ बिजनेस ट्रीट करना है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है. आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है मैं 2,000-4,000 रुपए यू नो इन्वेस्ट करके आई कैन स्टार्ट एन अमेजॉन बिजनेस, ऐसा नहीं होता. तो सबसे पहले यू टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस. सेकेंडली ये है कि अमेजॉन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है. तो ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से कि आप कोई अच्छा सा कोर्स करें. और ऑफकोर्स इंडिया में तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कोर्सेज कराते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यूएस में बेचना है तो आपको कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जो यूएस से कोई प्रोवाइड करे आपको, ताकि उसमें यूएस पर्सपेक्टिव हो कि वो किस तरह से बताते हैं आपको कि क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर पॉपुलर हैं क्या नहीं है. क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमें इतना नहीं पता चलता है कि वहाँ पर क्या पॉपुलर है प्रोडक्ट्स. तो एक हीलियम 10 का कोर्स है, वो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ लोगों को लेने के लिए. और वो हीलियम 10 के साथ फ्री आता है, उसका नाम है फ्रीडम टिकट. वो केविन किंग है जो यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर ई कॉमर्स एक्सपर्ट है और उन्होंने ये कोर्स रिकॉर्ड करा है. तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हीलियम 10 तो आप लोग को अगर आप बेचना चाहते हो अमेजोन पे तो एक तरह से एक टूल है जो आपको चाहिए प्रोडक्ट रिसर्च कीवर्ड रिसर्च करने के लिए. और उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से $80 या ऐसे कुछ है पर मंथ. तो अगर आप वो हीलियम 10 टूल लेते हैं उसके साथ ये कोर्स आपको फ्री मिलता है. और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है शुरू से लेकर एंड तक कि आपको किस तरह से अमेजोन पे सेल करना है. और यू नो अमेजोन पे इतनी सारी चीजें हैं, लिस्टिंग्स हैं, पीपीसी सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो पीपीसी में होती है कि किस तरह से उसको करें. तो एक ये चीज है कि कोर्स आई थिंक बहुत अच्छा होना चाहिए. बाकी और भी इतने सारे यू नो यूट्यूब वीडियोज हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं, पॉडकास्ट हैं इतने सारे. तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है पर आपको सीखने की जरूरत है. और आपको ये है कि थोड़ा सा ये आपको होना चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा हो, कौन सा प्रोडक्ट है जो हाई डिमांड है और ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है उसमें. और आई थिंक रिसर्च की जरूरत होती है. एग्जैक्टली रिसर्च की जरूरत है डेफिनेटली. और इनफैक्ट हम लोग एक ई कॉमर्स समिट करने वाले हैं अक्टूबर में जो लोकल सेलर्स के लिए है जो ग्लोबली बेचना चाहते हैं, चाहे वो ब्रांड्स हैं इंडिविजुअल्स हैं. तो ई कॉम इंडिया समिट के नाम से होगी वो. और उसमें हम यूएस से स्पीकर्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यूएस जहाँ पर आप बेचना चाहते हैं आप वहीं के एक्सपर्ट से सीखें. तो आई थिंक दैट विल बी यू नो रियली गुड. तो हम यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से स्पीकर्स को लेकर आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए. समझ गया. हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि उनको यूएस में बेचना है तो इंडियन अमेजोन में, इंडियन अमेजोन का सिनेरियो और यूएस का तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही होगा. तो उनको पता होना चाहिए. और थोड़ा बहुत रिसर्च टूल मुझे लगता है कि कभी कभी आपने सही कहा, एज एन हॉबी आते हैं तो वो लोग उस टाइम तक सस्टेन ही नहीं कर पाते कि उनका बिजनेस उस लेवल तक ग्रो करे कि वो थोड़ा सा और उसमें रिसर्च टूल वगैरह लेके और उसको थोड़ा और स्केल अप कर पाए. तो ये पॉइंट आपका अच्छा था कि थोड़ा सा उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेना जरूरी है रैदर देन हॉबी. फिर अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसे मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं एक सप्लायर के अंदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए जो जिससे कि वो अमेजोन यूएस और अमेजोन यूरोप में भी अच्छा सेल लेके आ पाए. ऐसे कौन से वो क्वालिटीज या कौन सी पॉइंट्स का ध्यान रखना एक सप्लायर को जरूरी है बिफोर यू नो सेलिंग टू अमेजोन यूएस एंड अमेजोन यूरोप. आई थिंक एक चीज तो है जो हमने अभी बात करी कि ट्रीट दिस एज अ बिजनेस. तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है Definitely. Second thing ये है कि you should try to create a brand. कि अगर आप कोई भी product जाके ऐसे बेच दो तो वो कहीं से brand नहीं बनता. और US में, Europe में branding is quite important. तो अगर आप suppose एक you know wooden products brand बनाना चाहते हो for example, तो आप एक अच्छा सा अपना logo बनाइए, एक अपनी website बनाइए, mission statement बनाइए अपना, और अपने जितने भी products हैं उनको थोड़ा सा रिलेटेड बनाइए. जैसे आपके सारे मैंगो वुड प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से आपका ब्रांड बन सकता है कि हम सारे मैंगो वुड के प्रोडक्ट्स करते हैं. एक निश लेना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली एक निश लेके और फिर थोड़ा सा ब्रांडिंग भी उसमें आपको दिखानी है. जैसे यू नो ब्रांडिंग में ये होता है कि आपके कलर्स फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंट होते हैं आपके यू नो वेबसाइट में, प्रोडक्ट्स में, आपका लोगो होता है, आपका नाम होता है उसमें. तो एक वो चीज इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चीज थर्ड थिंग ये है कि क्रिएटिंग अ स्टोरी. जैसे मार्गरेट भी पहले बोल रही थी कि इंडिया में इतनी सारी यू नो ये स्टोरीज हैं कि ठीक है इस विलेज में इन इन विमेन ने ये सामान बनाया हैंडक्राफ्ट, आप वैसे करके कर सकते हैं.
एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे कुछ डोनेशंस करते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि ठीक है फॉर एवरी बैग आई सेल मैं एक ट्री प्लांट करूंगा यहाँ पर, या फिर आप किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे इंडिया सोर्सिंग ट्रिप में हम क्या करते हैं कि जितने भी लोग आते हैं हर एक अटेंडी के लिए हम एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं एक साल के लिए दीपालय में। दीपालय एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, तो एक साल के लिए उसकी एजुकेशन। अच्छा आपके घर के पास है? अच्छा। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ ऐड रहेगा कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डोनेशन ये चीजें मैटर करती है, मतलब यूएस में अगर आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है ये बाय पे माइंड में, राइट? मतलब इंडिया में उतना नहीं मैटर करता कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो आपका एक, मैं मुझे क्या करना है, मेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए। बट इन यूएस और मोर डेवलप्ड कंट्रीज ये चीज मैटर करती है, राइट? एक ब्रांड स्टोरी होना, एक आपका पर्पस होना उसके पीछे, तो ये चीजें मैटर करती है। हाँ ये मैटर करती है काफी। आप एक एग्जांपल है टॉम्स शूज, आपने शायद सुना होगा। उसमें वो क्या करते हैं, मेक्सिको से कहीं से सोर्स करते हैं, कहीं साउथ अमेरिका से सोर्स करते हैं वो शूज, और जो वो हर एक शूज बेचते हैं अमेरिका में, उस हर एक शू के लिए वो एक पेयर ऑफ शूज डोनेट करते हैं जो गरीब बच्चे हैं वहां पर साउथ अमेरिका में। तो वो ब्रांड बहुत जल्दी बढ़ा और यही उनका यूएसपी है। आई थिंक एक और चीज है सक्सेसफुल होने के लिए, पीपीसी और मार्केटिंग, बिकॉज आई मीन अमेजोन स्पेशली, यू नो आप लिस्ट कर दोगे प्रोडक्ट सब कुछ कर दोगे, बट देन अमेजोन इज लाइक अ सर्च इंजन, तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट पे लेकर आना है। तो आप पीपीसी से कर सकते हो या मार्केटिंग से कर सकते हो, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, क्या है? पेपर क्लिक मतलब एडवर्टाइजिंग, अमेजोन एडवर्टाइजिंग। हाँ तो ये चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अकाउंट बनाना आसान है, प्रोडक्ट्स ऊपर डालना आसान है अमेजोन पे, पर आप फिर कैसे लोगों के सामने आओ? तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, आपके टाइटल में अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन में अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये सब जो है रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल एक और चीज है कि आप सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड प्रेजेंस कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर आपका एक ब्रांड है, एक निच है, उसके अंदर ही आप कम्युनिटी एक बना सकते हैं, और वो कम्युनिटी जो है ओवरसीज सेलर्स की होगी, यूएस में जो लोग बैठे हैं उनकी कम्युनिटी होगी। वो आप यूएस में बेच रहे हैं तो वहीं के लोग होंगे ना आपके कम्युनिटी में, और फिर आप वो ट्रैफिक अमेजोन पे डायरेक्टली यू नो भेज सकते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो भी आजकल भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी है। इतना आसान नहीं है अमेजोन यूएस पे सेल करना, इनफैक्ट जो यूएस बेस्ड सेलर्स हैं वही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, और आई थिंक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूएस मार्केट में जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, आपकी प्राइसिंग आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो इंडियन मार्केट से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपैंड करने की। बहुत अच्छे, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स थे, काफी यूजफुल था मेरे को लगता है कि ये मेरे को, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से करना है, कैसे स्टार्ट करना है। मैंने पीछे एक दो वीडियोस बनाए थे क्योंकि मेरा जो मेन एक्सपर्टाइज था वो कमर्शियल एक्सपोर्ट्स में था, अमेजोन जो कमर्शियल आपका जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है उसमें मैं रिसेंटली मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने पीछे भी एक दो पॉडकास्ट किए थे कुछ फ्रीलांसर्स के साथ। सो मेरे को भी लगता है कि बहुत पोटेंशियल है इस चीज में, अमेजोन ग्लोबल सेलिंग में, एचसी में दो चार वेबसाइट्स और हैं, ईबे में भी काफी सारे इंडिया के सेल करते हैं। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि अमेजोन जो है लॉजिस्टिक्स सारा खुद ही हैंडल कर लेता है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक जो लोकल लॉजिस्टिक्स है वो करना होता है, ओवरसीज का सारा अमेजोन देख लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे अमेजोन की, ये सारी चीजें वो खुद ही हैंडल कर लेता है। सो बहुत सही था। ठीक है, आप लोगों को मेघला ये तो पता लग गया कि आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से आपका नेटवर्क काम करता है, एसएन में कौन लोग खरीदते हैं, कौन बायर है, कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन से मार्केट में आप लोग सेल करते हैं। सो सिंस आप लोगों को पता लग गया, तो आप लोगों के साथ जुड़ना कैसे है, और किस तरीके से मतलब जो बायर इसको देखेगा आगे जाके वो आपके साथ कनेक्ट करे, क्या आपका कोई इंडिया में प्रेजेंस है, कोई ऑफिस है, कोई हेडक्वार्टर है, सो कैसे आपके साथ लोग कनेक्ट करें? हाँ, हमारा जो एक्चुअली हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है, मतलब हेडक्वार्टर्ड कंपनी जो है वो सिंगापुर की है, बट हमारे टीम मेंबर्स हैं इंडिया में है, सॉरी दिल्ली में है, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, सो अलग अलग सिटीज में टीम्स हैं हमारी। और अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो indiasourcing.net वो वेबसाइट है, आप जाके सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं, सप्लायर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
एक हमने नई फेसबुक ग्रुप, अभी नया फेसबुक ग्रुप बनाया है एक, जो लोकल सेलर्स हैं इंडिया में जो बाहर ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए अभी कुछ दिन पहले ही ग्रुप बनाया है. उसको आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगी आपको दीपांकर, तो आप उसमें डाल सकते हैं. बट आप बाकी ई कॉम इंडिया करके है वो ग्रुप, उसको सर्च करके वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब अभी आपका कुछ ऑफिस नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, सप्लायर लोग अभी भी थोड़ा सा ये उनका रहता है कि अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाए, कोई ऑफिस हो जाके जहाँ पे वो बैठ के बात करें, तो एक वो अभी भी इंडियन सप्लायर्स में और इंडियन बिजनेस पीपल में अभी भी ये एक है कि उनको चाहिए होता है क्योंकि फिजिकल स्पेस है कि नहीं, कोई फिजिकल प्रेजेंस है कि नहीं. सो हाँ, फिजिकल प्रेजेंस मतलब सारी टीम यहीं पर है, बट ये है कि हम घर से काम करते हैं. हाँ, वी करंटली वर्क फ्रॉम होम बिकॉज अभी तो सब कुछ आई थिंक वर्क फ्रॉम होम होता है दीपांकर, एवरीथिंग इज वर्चुअल, वी डोंट नीड अ फिजिकल ऑफिस. तो अभी तक तो हमारा ऑफिस नहीं है यहाँ पर, अभी आगे चल के देखते हैं कैसा चलता है, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग यू नो वर्किंग फ्रॉम होम, कि अपना फ्रीडम है, अपना घर से आराम से काम करो. तो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी है इस चीज के लिए, बट आगे चल के देखते हैं. बाकी कंपनी हमारी इस्टेब्लिश हो रही है, इंडियन कंपनी जो है वो भी इस्टेब्लिश हो रही है. ठीक है, कूल, ये सारी चीजें बहुत सही था, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था. मेरे को एक एक फन क्वेश्चन है जो मैं हमेशा पॉडकास्ट में किसी से पूछता हूँ, मतलब जो भी हमारा होस्ट होता है उससे पूछता हूँ मैं, कि अगर आप इंडिया सोर्सिंग नहीं करते, सपोज इंडिया सोर्सिंग एट द फर्स्ट पॉइंट आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो आप क्या कर रहे होते इस टाइम पे? कोई और स्टार्टअप करते या कोई और किसी कहीं पे कुछ आपका जॉब होता या क्या होता इस टाइम पे अगर इंडिया सोर्सिंग नहीं होता? तो इंडिया सोर्सिंग से पहले तो मैंने जॉब ही करी है, मोस्टली लाइक ऑलमोस्ट 20 इयर्स जॉब करी है मैंने. उसके बाद 2019 में इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क शुरू करा है. बट अगर मैं इंडिया सोर्सिंग नहीं कर रही होती तो शायद मैं अपना ब्रांड डेवलप कर रही होती. अभी भी मेरा ब्रांड है, मैं भी अमेजोन यूएस पे बेचती हूँ, बट मैं इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ उस ब्रांड के ऊपर उसको डेवलप करने के लिए. बट अगर मैं इंडिया सोर्सिंग नहीं कर रही होती तो मैं फुल्ली अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करती और उसको ग्रो करती मैं अच्छे से, और फिर उसको 2-3 साल के बाद उसको बेच देती. आजकल जो है ये अपॉर्चुनिटी है मोस्टली ब्रांड में. अभी देखिए मार्गरेट ने ब्रांड बनाया है पिछले 5 साल से और अभी वो बेच रही है उसको, तो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि आप 4-5 साल के बाद अपना ब्रांड बेच दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आजकल अमेजोन एग्रीगेटर्स हैं जो अमेजोन ब्रांड्स खरीद रहे हैं, तो शायद मैं वो कर रही होती. हाँ अच्छा ठीक है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, यहाँ से लेके आप अमेजोन में बेच रहे होते हैं, राइट? Exactly. ठीक है, तो ठीक है मेघला और मार्गरेट, काफी अच्छा था ये इंटरव्यू, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से स्टार्ट करे, और ई कॉमर्स और अमेजोन ग्लोबल सेलिंग तो इज लाइक जस्ट स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, सिर्फ अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है, बहुत कम सेलर्स हैं, लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से इनफैक्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट ही जो है वो बड़े बड़े जिनकी फैक्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी थी वहां से अब धीरे धीरे नीचे आया है. ठीक है ठीक है मेघला, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम, गिविंग YouTube एंड माय ऑडियंस द टाइम एंड द एक्सपीरियंस यू गाइस हैव. थैंक यू सो मच अगेन, और होपफुली इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस मामले में, क्योंकि बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंडिया में. इंडिया के पास मतलब हमारे इस टाइम रूल्स नहीं है प्रॉपर इस चीज़ को गवर्न करने के लिए. पिछले 2.5 या 2 सालों में ही कई सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट. मैंने बोला ही था जैसे कि EBRC लास्ट ईयर के अक्टूबर या नवंबर में ही इम्प्लीमेंट हुआ है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे. पहले 25,000 तक का लिमिट था कि 25,000 तक का जो भी प्रोडक्ट है इनवॉइस वैल्यू है उसको आप अंडर ECCS यानी एक्सप्रेस कार्गो आप निकाल सकते हो ई कॉमर्स के अंडर, अब वो बढ़ के 5 लाख तक हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं इसमें, सो होपफुली आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और आपको भी अच्छा बिजनेस मिलेगा होपफुली. इंडिया से नेटवर्क के साथ भी काफ़ी सारे लोग बढ़ेंगे. थैंक यू मार्गरेट, थैंक यू. थैंक यू. बाय.